अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड में लेसन नंबर 34। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे ऑफसेट क्या होता है और ऑफसेट का फंक्शन क्या है और हम ऑफसेट किस तरह करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को और एक स्पेसिफिक डायमेंशन पे। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह का आपका मिरर का लेसन इंपॉर्टेंट था, ये भी ये आपका जो ऑफसेट कमांड है ये तकरीबन किसी को भी ऑब्जेक्ट बनाने में आपको 70% यूज़ करनी पड़ती है। तो इस कमांड को भी आप गौर से देखिएगा ताकि आप आसानी से इस पर काम कर सकें। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और देखता हूँ मैं यहाँ पे। यू एन एंटर्स, ओके, डायमेंशन मॉडिफाई और यहां से इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच, सेट करंट क्लोज। तो आज की इस लेसन में हमने ऑफसेट के ऊपर डिस्कस करना है। तो ऑफसेट कमांड जो आपको नजर आ रही होगी वो आपके पास है जी, यहां पे जी आपके पास एक कमांड है ऑफसेट, आपको नजर आ रही होगी ऑफसेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऑफसेट देना चाहो तो आप यहाँ से ऑफसेट दे सकते हैं। उसके अलावा आप मॉडिफाई में जाएंगे और मॉडिफाई में आपको मिरर के बाद आपको ऑफसेट नजर आ रहा होगा, ये ऑफसेट कमांड है। और अब ऑफसेट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ऑफसेट कमांड काम किस तरह करती है। तो उसके लिए मैं एल एंटर करता हूँ, लाइन देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे 10 फुट की मैं लाइन देता हूँ, देख सकते हैं 10 फुट की लाइन दी। अब इस लाइन को मैं चाहता हूँ यहाँ से नीचे 5 फुट के फासले पे मेरे पास यही लाइन दोबारा इसी डायमेंशन में इसी स्टाइल में पास लाइन लग जाए। तो उसके लिए आप ऑफसेट देते हैं, ऑफसेट कमांड, ऑफसेट के लिए ओ एंटर करते हैं। अब आपको कह रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, आप कहते हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को ऑफसेट्स देना है, तो आप ऑफसेट देने के लिए आप क्या करेंगे, ओ एंटर करेंगे। थ्रू मतलब हम अभी ऑफसेट जो दे रहे हैं ये थ्रू हमने डिस्टेंस देना है इसको, तो डिस्टेंस में देता हूँ 10 फुट या 5 फुट के फासले पे, एंटर, ऑफसेट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर करें। तो ये देखिएगा ये बिल्कुल 5 फुट के फासले पर वापस ऑफसेट लग गए। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल एंटर करता हूँ इस कॉर्नर में और 5 फुट का मैं फॉर एग्जाम्पल 5 फुट लाइन देता हूँ, देखता हूँ, एंटर करता हूँ, देखें बिल्कुल एक्यूरेट वापस 5 फुट के फासले में वापस लाइन लग गया, मतलब इसने फासला जो वापस डिस्टेंस दिया है वो 100% सही दिया है। अब इसी तरह मैं ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट में क्या है, मैंने ये जो लाइन दी थी ये 10 फुट की लाइन दी थी और मैं इसको ऑफसेट 10 फुट का देता हूँ ताकि बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास जुड़ जाए इसके साथ। तो इसके लिए मैं ऑफसेट देता हूँ 10 फुट और यहाँ से मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, देखिए मेरे पास ऑफसेट भी लग गया और 100% 10 फुट के फासले में बस यहाँ पे ऑफसेट लग गया, आप देख सकते हैं। तो ये कमांड है जी ऑफसेट की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफसेट देता हूँ ओ एंटर, 5 फुट के फासले पे देता हूँ 5 फुट, तो इसके मिड में आ जाएगा मेरे पास ऑफसेट। तो अब देखें यहाँ पे क्लिक करें तो देखें बिल्कुल ये 5 फुट के फासले पे और ये इसके मिड में हमारे पास आ गए। तो ये ऑफसेट है। अब इस ऑफसेट को सेट चेक करना चाह रहे हैं कि सही इसने ऑफसेट दिया भी है कि नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके, ये 10 फुट का है, ओके, पांच फुट आप देख सकते हैं 100% इसने ऑफसेट सही दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये 5 फुट के फासले पे इसने ये वाला ऑफसेट दिया है, तो उसके लिए आप डी आई एंटर करें ताकि डी आई एंटर, देख सकते हैं 5 फुट है हमें यहाँ पे बता रहा है। तो ये था इसका ऑफसेट का फंक्शन। इसी ऑफसेट में एक और कमांड भी यूज होती है, वो कौन कौन सी होती है, एल एंटर करता हूँ यहाँ पे 5 फुट, एंटर। अब इसे आप मर्जी में अपनी मर्जी से ऑफसेट देना चाह रहे हैं, आप ओ एंटर करके ऑफसेट आपने फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आप करें ओ एंटर, एंटर करके बस यहाँ से आप इसको देते जाए ऑफसेट।
देख सकते हैं। तो ऐसा ही वापस ऑफसेट का फंक्शन, ऑफसेट आप कैसे दे सकते हैं। उसके बाद है ऑफसेट में एक और कमांड यूज होती है, ओ एन एल एंटर करता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, वो होती है आप जब ओ इंटर करते हैं तो आपको देखें यहाँ पे आपको लिखा हो थ्रू नज़र आ रहा है, थ्रू मतलब आपने इसमें डिस्टेंस देना है एक्यूरेट। अरेज लिखा हो नज़र आ रहा है तो अरेज के लिए आप ई एंटर करें, ई एंटर करें, कह रहा है अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग, कि आप जब ऑफसेट दोगे तो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला अरेज हो जाए, तो आप कहते हो यस वाई कर दें इंटर। आप स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस दें 10 फुट, 5 फुट में देता हूँ, इसको जब मैं यहाँ से मूव करूँगा तो मेरे पास सोर्स ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब देखें ये तो 5 फुट के फासले पे आ गया लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये होता है अरेज का ऑप्शन। और अब ऑफसेट आप बार बार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मल्टीपल एम एंटर करेंगे, मल्टीपल मल्टीपल करें और आप देखें बार बार आप करते जाएं, देखें सोर्स ऑब्जेक्ट आपका डिलीट होता जाएगा और आपका ऑफसेट खत्म हो जाएगा। एग्जिट करना चाह रहे हैं तो एग्जिट के लिए आप ई एंटर करें, यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ है एग्जिट के लिए ई एंटर करें तो ऑफसेट आपका एग्जिट हो जाएगा, या फिर स्पेस प्रेस करने से, स्केप प्रेस करने से भी आपका ऑफसेट एग्जिट हो जाता है। एल एंटर करता हूँ मैं 10 फुट, एल इंटर 10 फुट, ओ इंटर 5 फुट इंटर। अभी देखें जब भी मैं ऑफसेट ले रहा हूं तो मेरे पास सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है, तो सोर्स ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं डिलीट ना हो, खत्म ना हो, तो उसके लिए आप जब ऑफसेट लें ओ इंटर करें तो अरेज ई के बटन को प्रेस करें और यहां से आप इसको नो कर देना है, नो के लिए एन एंटर कर दें, तो अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अरेज नहीं होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा जिससे आप ऑफसेट ले रहे हैं। तो अब इसके लिए मैं 10 देता हूँ, देखें 10 फुट के फासले पे आ गया और मेरे पास सोर्स ऑब्जेक्ट अरेज नहीं होगा। एग्जिट करें एग्जिट हो जाएगा, अंडू के लिए यू एंटर करें तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, आपने जो ऑफसेट दिया था वो खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद मल्टीपल के लिए यूज करेंगे तो एम यूज करेंगे, एम के लिए आप बार बार ऑफसेट देते जाएंगे, वो उतना ऑफसेट लेता जाएगा। उसके लिए दोबारा ओ एंटर करते हैं, नेक्स्ट ऊपर लेयर, तो लेयर के लिए एल एंटर करें, देखते हैं इसमें क्या आता है। करंट लेयर सोर्स में करंट के लिए सी एंटर करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या ऑप्शन है, 5 फुट एंटर। तो अभी हमने लेयर पढ़ी है तो इसके लिए हमारे पास क्या हुआ, ये सिर्फ हमारे पास करंट वाली लेयर पे हमारे पास ये काम कर रहा है। जब हम लेयर करेंगे तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगी कि लेयर का फंक्शन क्या होता है। मैंने आपने जो भी काम कर रहे हैं, हम लेयर मुख्तलिफ लेयर्स बनाते हैं, आप जो ये काम कर रहे हैं तो उसमें आपने लेयर्स को अगर नाम दिया हुआ है, लेयर्स पे काम किया हुआ है, तो आप उस नाम पे आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं आप उस लेयर पे आप मूव कर सकते हैं। तो जब हम लेयर पढ़ेंगे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो आज का काम जो हमारे पास ऑफसेट था, उम्मीद करता हूँ आपको इस ऑफसेट की समझ आई होगी, ऑफसेट किस तरह देते हैं और ऑफसेट पे काम किस तरह करते हैं। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।